वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल यंग बीस्ट। तो आज की वीडियो हम मैं बात करने वाला हूँ, आज से हम अपने चैनल पे होम वर्कआउट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैंने कहा था अपनी फर्स्ट वीडियो बेस्ट सीक्रेट डाइट गेन वाली वीडियो में, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि हम एक होम वर्कआउट सीरीज लाएंगे। जी हाँ, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पता है कि लॉकडाउन खुलने वाला है 31 तारीख से, बट क्या पता जिम खुले ना खुले, क्या रूल रेगुलेशन के साथ क्या चीज ओपन होगी। तो जिम का मुझे लगता नहीं शायद खुल पाएंगे या नहीं खुलेंगे। तो आज से कंटिन्यूसली इस चैनल पे आपके लिए, जी आपके लिए होम वर्कआउट सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइस चेस्ट के एक्सरसाइज के साथ। जी हाँ, चेस्ट के एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा अपनी होम वर्कआउट सीरीज में, आप ऐड कर सकते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं एक हेल्दी चेस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी नॉर्मल बेसिक पुशअप्स। अपने हाथों को शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रखें और इस तरीके से पुशअप्स लगाएं। आपने इस तरीके से 3 बार पुशअप्स लगाने हैं, मैक्सिमम जितने आप लगा सकते हैं 15, 20, 25, 30, जितने आप आपके अकॉर्डिंग आपकी जितनी स्टैमिना है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाएं और पुशअप्स कंप्लीट करें। हमारी जो अगली एक्सरसाइज होगी वो होगी डंबल प्रेस। तो आप देखिए, इस तरीके से आपने ज़मीन पे घर पे लेट जाना है और इस तरीके से लगाना है पुशअप। मेक श्योर आपने ध्यान करना है, जिस तरीके से मैं भी फॉलो कर रहा हूँ आपने उस तरीके से नहीं करना है, ये मैं गलत बता रहा हूँ। आपने डंबल पूरी तरीके से नहीं चिपकाने, एकदम डंबल को आपने थोड़ा सा गैप देना है। मैं अभी आपको सही तरीके से बताऊँगा किस तरीके से करना है, और इस तरीके से नहीं ऊपर लेके आना है आपने। अभी मैं आपको प्रॉपर वे बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से लगाने चाहिए। आप देखिए एकदम प्रॉपर तरीका डंबल प्रेस लगाने का। जी हाँ, हल्का सा ऊपर ले जाते टाइम अपने डंबल को बैंड कर दें, मोड़ दें हल्का सा इस तरीके से, और हल्का सा गैप रखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी मसल ज़्यादा स्क्वीज होगी चेस्ट की। आपने इसी तरीके से फॉलो करना है और आपकी मसल अच्छी तरीके से स्क्वीज हो पाएगी। अगली एक्सरसाइज होगी आपकी डंबल ओवरहेड। जी हाँ, आपको बेसिकली ऐसे ही लेट जाना है ज़मीन पे। आपके पास डंबल नहीं है तो आप ईंट का सहारा ले सकते हैं, और आपने इस तरीके से ईंट ने या डंबल ने लेना है और इस तरीके से फॉलो करनी है एक्सरसाइज। ये बेस्ट एक्सरसाइज आपकी चेस्ट और बैक दोनों को ट्रेन करती है, एकदम बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट और बैक के लिए। आपने सिंपली ऐसे इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से फॉलो करना है। जी हाँ, इस तरीके से ही सेम जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, आपने इसी तरीके से एकदम लेके आना है डंबल या ईंट जिसका आप यूज़ कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जी हाँ, यह है इंक्लाइन पुशअप्स। आपने बेड या चेयर या किसी पे भी अपने पैर ऊपर रखने हैं, ईंट पे ईंट ले लें या डंबल ले लें, इस तरीके से आपने पुशअप्स लगाने हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी फुल मसल स्क्वीज हो रही है चेस्ट की, एकदम फुल स्ट्रेच हो रही है। इस तरीके से आपने फॉलो करनी है एक्सरसाइज, इस तरीके से पुशअप्स लगाने हैं आपने 3 बार। आपकी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है इनर चेस्ट या चेस्ट की बीच वाली लाइन के लिए। बेस्ट एक्सरसाइज है डंबल या ईंट को लें और ऊपर की तरफ प्रेस करें इस तरीके से, ऊपर की तरफ। इससे आपकी बीच वाली लाइन एकदम जो चेस्ट की एकदम निखर के आएगी एकदम प्रॉपर तरीके से। देखिए फिर से इस तरीके से आपने ईंट या डंबल जो भी है आपने लेना है और इस तरीके से उसको ऊपर स्क्वीज करना है, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो ये थी कुछ बेसिक एक्सरसाइज चेस्ट के बारे में। देख सकते हैं आप मैं कितना पसीना हो गया। आप घर पे भी इसको फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं और एक बेहतरीन चेस्ट बना सकते हैं। मेक श्योर अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो आप प्रोटीन या गेनर में कंफ्यूज हैं तो इस वाली वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। और सब्सक्राइब कर दें भाई के चैनल को और लाइक कर दें, बहुत मेहनत लगी है गर्मी में वीडियो बनाई आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर एंड आउट, दिस इज यंग बीस्ट।